वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम आपको बहुत टेस्टी लगने वाली मूंग की दाल की रेसिपी बता रहे हैं। ये है साबुत मूंग दाल और उसकी दाल हम बनाने जा रहे हैं। दालें बहुत न्यूट्रिटिव होती हैं, जरूर अपने खाने में ऐड करनी चाहिए और डेली आपको अलग अलग दाल बनानी चाहिए। तो ये देखिए साबुत मूंग है, आधा कप मैंने ली थी और रात को करीब देर रात भिगाया था इसको, तो 5-6 घंटे इसको भिगे हुए हो गए हैं। तुरंत भी बना सकते हैं बट उसको गलने में ज्यादा टाइम लगता है। और इसका मैंने जो पानी था वो निकाल दिया है। हल्दी डालेंगे हम 1/2 टीस्पून, नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपसे बाद में शेयर करती हूँ। तो ये हम डाल रहे हैं दाल कुकर में, आधा कप दाल है ये, भीगने के बाद अच्छी ज्यादा हो गई है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, पहले शुरू में थोड़ा कम ही डालिए ताकि छौंक में भी आप डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी और ये डाल रहे हैं हम इसमें पानी और इसको हम मिलाएंगे अच्छे से। और इसमें हम 1 टीस्पून डालेंगे ऑयल, इसको भी अच्छे से मिला देंगे और प्रेशर कुक करेंगे। कुकर को बंद करेंगे और एक विसल आने तक वेट करेंगे। जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम आपको ये इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। ये लिया है मैंने एक बड़ा प्याज जिसको बारीक काट लिया है, 2 टमाटर को मैंने पीस लिया है क्योंकि आजकल टमाटर बहुत सख्त आ रहे हैं, उनका छिलका या वो गलने में टाइम लगता है, बाकी आप काट के भी डाल सकते हैं। एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। अदरक मैंने कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है, ग्रेट करने के बाद वो 1 चम्मच है। आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच राई ली है, ये हींग हम यूज करेंगे 2 पिंच। आधा चम्मच किचन किंग लिया है मैंने, थोड़ा सा सॉल्ट लिया है क्योंकि नमक जो है हम दाल में भी डाल चुके हैं, नमक है। और 1/4 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर लिया है। और घी में हम ये छौंक लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून घी। 2 चम्मच घी डाल दिया है हमने और ये अच्छे से पिघल गया है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं जीरा और ये राई, इसको मिक्स करेंगे। और इसी समय हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हींग जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक और कटी हुई प्याज। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है, उसको ऐसे लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर, धीमी आंच पर इसको भूनेंगे। जब तक ये प्याज भून रही है तब तक जो मसाले हैं उसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा और इसको डिसॉल्व करेंगे। ऐसा करने से मसाले जो हैं वो जलते नहीं हैं। इसको मिक्स करेंगे ऐसे और प्याज भूनने के बाद हम इन मसालों को डालेंगे। तब तक हम 2 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये हरी मिर्च और देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है। गैस को बिल्कुल धीमा कर लेंगे और इसमें हम ये डालेंगे जो हमने पानी में मिलाए हुए मसाले हैं। मसाले में जाली पड़ना शुरू हो गई है, 1 मिनट में ही ये भुन जाता है, बहुत ही कम टाइम में। बस आपको देखना है और लगातार चलाना है कि ये जले नहीं। जो सूखे मसाले नहीं डाल सकते वो ऐसे पानी में करके डाल सकते हैं ताकि उनको मुश्किल ना आए। और अब हम डालेंगे ये टोमेटो प्यूरी। यहाँ मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप कटा टमाटर भी डाल सकते हैं क्योंकि आजकल टमाटर बहुत सख्त आ रहे हैं, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं इसको पेस्ट बनाकर डालूं।
इनको भी हम बहुत अच्छे से पकाएंगे। टमाटर बिल्कुल कच्चा है तो अच्छे से जब तेल छूट जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। तो जब तक मसाला भुन रहा है तब तक हम कुकर खोल कर देख लेते हैं। मैंने एक विसल आने के बाद इसको बंद कर दिया है और यहां मैं आपको बताऊं मैंने इसमें 2 कप पानी डाला था, तो 2 कप पानी के साथ ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छे से गल गई है। ये देखिए दाल कितनी परफेक्ट है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाला। ये देखिए बबल्स आ रहे हैं और मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है ना मसाला अच्छा। तो अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे दाल के अंदर। दाल का कुकर ले आएंगे यहां पे और इसको ट्रांसफर करेंगे इसके अंदर और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको भी साफ कर लिया है। आप कंसिस्टेंसी अपनी दाल की चेक कर सकते हैं। ये देखिए परफेक्ट, कितना अच्छा कलर है, कितनी बढ़िया दाल बनकर तैयार है। एक एक दाना अलग अलग है, खिला हुआ है। इसमें हम थोड़ा सा धनिया अभी डालेंगे और थोड़ा हम गार्निश करने के लिए रखेंगे कटा हुआ हरा धनिया। जितना आप डालें उतनी खुशबू इसकी अच्छी आती है। और ये देखिए परफेक्ट, हमको इसको पकाने की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए कितनी बढ़िया दाल बनकर तैयार है। तो अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो अब जब हमने इसको सर्व कर दिया है तो कंसिस्टेंसी देखिए दाल की, एक एक दाना कितने अच्छे से बना है और खाने में लाजवाब है। मैंने टेस्ट किया है इसलिए मैं आपको कह रही हूं जरूर इस तरीके से ट्राई कीजिए। और ये मैंने 1 चम्मच देसी घी लेकर उसमें कश्मीरी मिर्च डाली है 1/2 चम्मच। कभी कभी क्या होता है कि देखने वाली चीज अगर टेम्पटिंग ना लगे तो नहीं अच्छा लगता। तो हर दाल में तड़का भी ऊपर से जरूरी नहीं है, आपकी चॉइस है। बट आप इस तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं थोड़े से घी के साथ, तो बहुत सुंदर लगेगी। आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको मेरी जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए। और ये देखिए धनिये से हमने इसको गार्निश कर दिया है तो ये टेम्पटिंग सी दाल बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।